प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट की समाप्ति गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे कि द्विचर फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं। कल अपन बात कर रहे थे कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज उससे आगे के कुछ एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं। समाकलन के क्रम में परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे मान लो ये समाकलन दे रखा है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई दे रखा है, तो इसमें अपन पहले क्या करते हैं, वाई के सापेक्ष समाकलन करते हैं, बाद में एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पहले y के सापेक्ष समाकलन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके उसका मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसा एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन करके देख रहे हैं। समाकलन दे रखा है 0 से 2a, ये लिमिट दे रखी है अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 2ax, vxy dx dy। यहां आपने वो क्या करना है, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके बताना है। तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को अपन देखते हैं। तो यहां पे अगर अपन देखें तो x की लिमिट अपने को दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, y की लिमिट दे रखी है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर अंडर रूट 2ax तक। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, लिमिट को देखना है और उसका डायग्राम बनाना है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये जो समाकलन किया गया है वो कौन से क्षेत्र पे किया गया है, फिर उसके समाकलन के क्रम में अपन परिवर्तन करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अपने को ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको पहचानेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनेगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस स्टेप को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक एक है, तो इसका मतलब हो सकता है ये वर्त का समीकरण हो। तो वर्त का समीकरण कौन से वर्त का समीकरण है, ये देखने के लिए इसको केंद्रीय फोरम में अपन चेंज करेंगे, सेंटर फोरम में चेंज करेंगे। तो सेंटर फोरम में चेंज करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ देंगे, आधे का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे। अब इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो कितना हो गया ए जीरो और त्रिज्या कितनी होगी ई। तो इसका मतलब ये एक ऐसे वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र ए जीरो है और त्रिज्या ए है। इसको अगर अपन देखें दोनों तरफ स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2ax, x की घात एक है y की घात दो है, इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। एक तो ऐसा वर्त है जिसका केंद्र a जीरो है, केंद्र a जीरो अपन ने यहां मान लिया, त्रिज्या a है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये वर्त बनेगा, एक अपने को दे रखा है परवलय दे रखा है, ऐसा वर्त है इसका केंद्र ए जीरो है, थोड़ा छोटा डायग्राम अपन बना लेते हैं, ऐसा वर्त है इसका केंद्र ए जीरो है और त्रिज्या ए है, ऐसा वर्त है इसका केंद्र ए जीरो है त्रिज्या ए है। एक अपने को दे रखा है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax दे रखा है, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इस तरीके से बनेगा, ये परवलय हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहां पे अगर अपन देखें तो ये देखो x बराबर 0 हो जाएगा, यहां पे x बराबर 0 है, यहां पे x बराबर a हो जाएगा, यहां पे x बराबर हो जाएगा 2a क्योंकि इसकी त्रिज्या a है। x का मान दे रखा है x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, ये x बराबर 2a हो जाएगा, ये x बराबर 2a की लाइन हो जाएगी, यहां पे x बराबर 0 है ही। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है और पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी, इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी, नीचे टच कर रही थी किसको, वर्त को, और ऊपर किसको टच कर रही थी, परवलय को। इसका मतलब जो समाकलन की पट्टी थी वो वर्त और परवलय के बीच में बनी हुई थी, नीचे वर्त को टच कर रही थी, ऊपर परवलय को टच कर रही थी, इसका मतलब समाकलन की पट्टी यहां पे बनी हुई थी। x की वैल्यू थी x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, तो इसका मतलब पहले जो समाकलन का क्षेत्र था वो ये था, यानी पहले जो समाकलन किया हुआ है वो इस क्षेत्र पे किया हुआ है। ये अगर ये बिंदु अपन देखें तो कितना आएगा, x बराबर 2a इसके अंदर रखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर,
यहाँ से y बराबर आएगा कितना, प्लस माइनस 2a, तो ये बिंदु होगा y बराबर 2a, यानी ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2a 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 हो जाएगा। यहां तक एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं, ये जो समाकलन है इसके अपने को क्रम में परिवर्तन करना था। क्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है, तो उसके लिए अपने को जो भी समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को अपन देखेंगे और उसको देख के अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने को x की लिमिट दे रखी थी x बराबर 0 से x बराबर 2a तक, y की लिमिट दे रखी थी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले अपने इसके डायग्राम को पहचाना, इसको थोड़ा सल किया, तो ये एक वर्त का समीकरण बन रहा था। ऐसा वर्त था जिसका केंद्र a0 था, त्रिज्या a था। इसकी बात करें तो y बराबर अंडर रूट 2x क्या हो जाएगा, एक परवलय हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाया, पहले समाकल y के सापेक्ष किया हुआ था, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y अक्ष के समांतर बनी हुई थी, पट्टी नीचे टच कर रही थी वर्त को, ऊपर टच कर रही थी परवलय को, तो इसका मतलब पहले पट्टी यहाँ पे बनी हुई थी। तो x बराबर 0 से x बराबर 2a तक इसका मतलब समाकल इस क्षेत्र में किया हुआ था। अब इसके क्रम में परिवर्तन करने के लिए एक दूसरा डायग्राम और बनाएंगे, ये बिंदु a0 हो जाएगा। परवलय हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया, ये बिंदु हो जाएगा 2a 2a, समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा, ये समाकलन का क्षेत्र है, यहां पे होगा x बराबर a, ये x बराबर a की लाइन है। अब पहले समाकलन किसके सापेक्ष किया हुआ था, y के सापेक्ष किया हुआ था, इसलिए इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर। अब इंटीग्रेशन की पट्टी को बनाएंगे x अक्ष के समांतर, और इंटीग्रेशन की पट्टी को अगर x अक्ष के समांतर बनाते हैं तो समाकलन का जो क्षेत्र है इसको अपने को तीन भागों में बांटना पड़ेगा। अगर पट्टी यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और रेखा को, अगर पट्टी यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और वर्त को, अगर पट्टी अपन यहाँ पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी वर्त को और रेखा को। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपन तीन भागों में बांट रहे हैं, ये क्षेत्र ए हो जाएगा, ये क्षेत्र बी हो जाएगा और ये क्षेत्र सी हो जाएगा, तीन भागों में इसको बांटना पड़ेगा। अब इस क्षेत्र की लिमिट अपन निकालेंगे अलग से, इस क्षेत्र की अलग से लिमिट निकलेंगे, इस क्षेत्र की अलग से लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर a है, ये x बराबर a है, x बराबर a इसको जहाँ पे मिलेगा उस बिंदु पे y बराबर भी कितना हो जाएगा a, तो ये बिंदु कितना आएगा, यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन पे y बराबर भी कितना हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ y बराबर a हो जाएगा, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब समाकलन के क्षेत्र को अपने तीन भागों में बांट दिया, अब इसकी लिमिट अपन निकालेंगे, यहां पट्टी टच कर रही है किसको, परवलय को, पट्टी एक्स अक्ष के समांतर बनी हुई है तो वाई की लिमिट है वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्षेत्र ए की लिमिट में लिख रहा हूं, देखो क्षेत्र ए की लिमिट अपन लिख रहे हैं, क्षेत्र ए की बात करें तो क्षेत्र ए में पट्टी एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई की लिमिट कॉन्स्टेंट होंगी, वाई का मान हो जाएगा वाई बराबर जीरो से वाई बराबर ए तक, y का मान होगा y बराबर 0 से y बराबर a तक। अक्ष की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे ही अपन x का मान निकाल लेंगे। इधर परवलय को टच कर रही है, परवलय के समीकरण से x का मान निकालेंगे, परवलय के समीकरण से x का मान कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a, तो x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2a। इधर पट्टी किसको टच कर रही है, वर्त को, तो वर्त के समीकरण से अपन x का मान निकालेंगे, तो वर्त के समीकरण से x का मान निकाल रहे हैं, यहां से अपन x का मान निकाल रहे हैं, तो यहां से अगर अपन देखें तो x माइनस a का स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x माइनस a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहां पे देखो x बराबर a है तो इधर a से कम होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो यहां पे x बराबर आएगा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर क्षेत्र अगर c की लिमिट अपन देखें तो क्षेत्र c की लिमिट क्या आएंगी, इसको क्षेत्र b कह देते हैं अपन, इसको क्षेत्र b कह दिया, इसको अपन c कह दिया, तो क्षेत्र b की लिमिट देखें तो क्षेत्र b की लिमिट क्या हो जाएंगी, पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की लिमिट होंगी कॉन्स्टेंट, y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a तक, तो क्षेत्र b के लिए भी y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे अपन x का मान निकाल लेंगे, तो इधर टच कर रही है वर्त को, वर्त के समीकरण से x का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो a से ज्यादा होगा तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर,
इधर किसको टच कर रही है, इस रेखा को टच कर रही है, तो रेखा के लिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, टू ए, एक्स बराबर हो जाएगा टू ए। ऐसे ही अपन क्षेत्र सी की लिमिट निकालेंगे, क्षेत्र सी की लिमिट निकालेंगे। तो क्षेत्र सी के लिए अगर देखें तो पट्टी एक्स अक्ष के समांतर बनी हुई है, तो वाई की लिमिट होगी कॉन्स्टेंट। तो वाई की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, वाई बराबर ए से वाई बराबर टू ए तक। वाई की लिमिट हो जाएगी वाई बराबर ए से वाई बराबर टू ए तक। अक्ष की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन एक्स का मान निकाल लेंगे। तो इधर परवले को टच कर रही है, परवले के समीकरण से एक्स का मान आएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। इधर इस रेखा को टच कर रही है, रेखा से एक्स का मान कितना हो जाएगा, टू ए, टू ए हो जाएगा। तो ये लिमिट आएंगे। अब इस इंटीग्रेशन को अपन तीन भागों में बांट के और इस लिमिट को अपन लिख सकते हैं। यहां तक एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं, अपने को ये समाकलन दिया हुआ था, इस समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना था। सबसे पहले अपने लिमिट को देखा है, फिर इनके समीकरण को पहचाना। तो अपने देखा कि ये वर्त का समीकरण था, ये परवलय का समीकरण था। सबसे पहले अपने इनका डायग्राम बनाया। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन अगर अपन करते हैं, यानी समाकलन का क्षेत्र ये आ गया। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए इंटीग्रेशन की पट्टी अपने को बनानी पड़ेगी एक्स एक्सिस के समांतर। अगर पट्टी एक्स एक्सिस के समांतर बनाते हैं तो पट्टी यहां बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय को और रेखा को। अगर पट्टी यहां पे बनाते हैं तो पट्टी टच करेगी परवलय और वर्त को। यहां बनाते हैं तो वर्त और रेखा को टच करेगी। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपने को तीन भागों में बांटना पड़ेगा। तो तीन भागों में बांट के इसका मान ज्ञात किया है। तो यहां से अगर अपन देखें तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पे इसका जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा वी एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यहां अगर अपन देखें तो इस क्षेत्र की लिमिट हो जाएगी जीरो से ए, वाई स्क्वायर अपॉन टू ए से हो जाएगी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। क्षेत्र बी की अगर अपन लिमिट देखें तो आएगी जीरो से ए तक, फिर हो जाएगी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से टू ए तक। क्षेत्र सी की लिमिट देखें तो हो जाएगी ए से टू ए और वाई स्क्वायर अपॉन टू ए से टू ए तक। तो यानी ये जो समाकलन है इसके क्रम में अगर परिवर्तन करेंगे तो इसको तीन भागों में बांटना पड़ेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जीरो से ए, जीरो से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अपने को इसके समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके बताना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी समाकलन दिया हुआ है उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्षेत्र पे किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन लिमिट देखें तो एक्स की लिमिट है एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर ए तक, वाई की लिमिट है वाई बराबर जीरो से वाई बराबर एक्स तक। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। वाई बराबर जीरो का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वाई बराबर एक्स का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। x बराबर जीरो यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर a अपन ने यहाँ मान लिया। अब x बराबर a और y बराबर x जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे y बराबर भी a होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा a, a बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर जीरो होगा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी वाई एक्स के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी वाई एक्स के समांतर बनी हुई थी और नीचे टच कर रही थी वाई बराबर जीरो को, ऊपर टच कर रही थी वाई बराबर एक्स को। तो इसका मतलब समाकलन की पट्टी यहां बनी हुई थी, एक्स की वैल्यू एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर ए तक थी। तो इसका मतलब समाकलन पहले इस क्षेत्र पे किया हुआ था। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए दोबारा इस डायग्राम को बनाएंगे। ये समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा, यहां वाई बराबर जीरो हो गया, ये वाई बराबर एक्स है।
एक्स बराबर जीरो हो गया, इधर एक्स बराबर ए हो गया। अब पहले इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी वाई एक्स के समांतर, अब इसको अपन बनाएंगे एक्स एक्स के समांतर। अगर पट्टी एक्स एक्स के समांतर बनी हुई है तो वाई की लिमिट होती है कॉन्स्टेंट, तो वाई की लिमिट हो जाएंगी वाई बराबर जीरो से वाई बराबर ए तक, वाई की लिमिट होंगी वाई बराबर जीरो से वाई बराबर ए तक। एक्स की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से एक्स का मान निकाल लेंगे। इधर वाई बराबर एक्स को टच कर रही है, यहाँ से एक्स बराबर वाई आएगा, इधर एक्स बराबर ए को टच कर रही है, यहाँ से एक्स बराबर ए हो जाएगा। तो आप समाकलन के क्रम में परिवर्तन अपन कर सकते हैं, पहले लिखा हुआ था एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई लिखा हुआ था, आप लिखेंगे इसको डी वाई डी एक्स। वाई की लिमिट हो जाएगी जीरो से ए तक, एक्स की लिमिट हो जाएगी वाई से ए तक, ये समाकलन के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले अपने क्या किया, जो समाकलन दिया हुआ था उसकी लिमिट को अपने देखा है, फिर उसको देख के अपने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले अपने ये देखा कि समाकलन कौन से क्षेत्र में किया हुआ था, पहले इंटीग्रेशन की पट्टी वाई एक्स के समांतर बनी हुई थी, अब इसको अपने बना दिया एक्स एक्सिस के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी अगर एक्स एक्सिस के समांतर बनी हुई होती है तो वाई की लिमिट होती है कॉन्स्टेंट, तो वाई की वैल्यू होगी वाई बराबर जीरो से वाई बराबर ए तक। एक्स की लिमिट देखने के लिए अपनी देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे एक्स का मान निकाल लेंगे। तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पर जो समाकलन होगा उसकी लिमिट ही हो जाएगी। तो अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल आज आप करके देखोगे, नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।